में आपका स्वागत है। मैं हूं साकेत मिश्रा। आज जो 15/10/2019 को जो आपका एग्जाम हुआ बीपीएससी एग्जाम, उसका जो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है, उससे रिलेटेड जो भी इसका राइट आंसर है उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आप देख रहे हैं 65वीं बीपीएससी पीटी कम्बाइंड एग्जाम 2019। इसी के रिगार्डिंग जो आज मेरा सेट होगा वो सेट बी है, मेरा सेट नंबर डी है। और इसी का जो क्वेश्चन है वो एक एक करके जो इसका राइट आंसर होगा वो मैं आप लोगों के बीच आपको मैं बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर वन क्वेश्चन से। नंबर वन क्वेश्चन जो आपका है, जैसे सेट बी का हम सेट बी का करवा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर वन क्वेश्चन है आपका, अश्वमेध का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवाजी। अश्वमेध का गठन शिवाजी ने किया था। इसके बाद है नंबर टू क्वेश्चन। नंबर टू क्वेश्चन का हो जाएगा आपका, नंबर टू है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद है नंबर थ्री, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, पुर्तगाली। ओके, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर फोर, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी में आपका है कैप्टन श्रीमान। कैप्टन श्रीमान के द्वारा ठगों का उन्मूलन और किसके नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के द्वारा अफगानिस्तान के प्रति आक्रमक नीति अपनाई गई थी। ओके, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइव का हो जाएगा आपका बी, सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया? तो ये दांडी से किए थे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन जो है आपका, शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? तो ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। सेवन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर एट, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के विभाजन के समय 1946 में जेवी कृपलानी थे, जो ऑलरेडी जो इंडिया का डिवाइड हुआ था उस समय यही भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नाइन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नाइन नंबर हो जाएगा, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा कुंवर सिंह, राइट। नाइन का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों के नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ई। इसका राइट आंसर श्री कृष्ण सिंह होता है, वो ऑलरेडी आधुनिक बिहार के निर्माता इन्हें ही कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई। इसके बाद देखिए 12, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। इसके बाद आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो ये 1932 में, यानी क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यता किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो सुश्रुत, जो इसका राइट आंसर है आपका 16 का ए। इसके बाद है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि जो थी ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो एक ताम्रलिपि, इसका 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद है 19 का देखिएगा, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए।
इसके बाद है आपका मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। इसके बाद है 21 क्वेश्चन देख लीजिए, 21 का है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जुड़ी सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी टोडा और केरल। टोडा और केरल ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका डी। 22 में आ जाइए, इसके बाद निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया, तो ऑलरेडी ये मुंबई और बैंगलोर, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। इसके बाद है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो जुमई आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का सी। इसके बाद है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जीरो की संख्या कितनी है, तो ये 12 है आपका और राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार में मुंगेर जिले में स्थित है, तो इसका भीमबाण राइट आंसर हो जाएगा, और भीमबाण आपका मुंगेर में स्थित है, इसका सी हो जाएगा। इसके बाद 26, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया, तो ये गोपालगंज में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 27 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम चंपारण। इसके बाद है 28, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, ऑप्शन सी। 29, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई, तो सबसे जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए शिवहर, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं। इसके बाद है आपका 31, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा इसका 31 का जी, ब्राजील। इसके बाद 32 में निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया, 32 का बी। 33 देख लीजिए, 33 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश है, ईरान, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। इसके बाद है 34 का, 34 में देख लीजिए, 34 में आपका है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो सबसे ज्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान उत्पादन करता है, जिसका राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए। इसके बाद है 35, 35 देख लीजिए, कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां कौन सी है, तो ये इनमें से सभी एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर ई हो गया। इसके बाद 36 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, तो इसका राइट आंसर होगा ई। इसके बाद है 37, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, चाय बागान के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, 37 का बी, गिरनार पर्वत। ओके, इसके बाद है 38, इसके बाद 38 में आ जाइए, 38 में है आपका का आंसर हो जाएगा आपका सी। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद 39 में हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल गिट्टी नहीं पाई जाती है, तो उपयुक्त सभी में, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है, तो ये हो जाएगा आपका जैन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है 41 निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो सबसे अधिक आपका जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय, इसमें कम है, और हिमाचल प्रदेश में 68 के आसपास है, तो हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी। 42
42 का है, भारत के वट्टा क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ई 42। इसके बाद है 43, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 43 का सी। इसके बाद है आपका 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ग्राम पंचायत 44 का सी। 45 में आ जाइए, 45 में आइए, 45 में है निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पटवारी 46। 46 में आइए, उसके बाद निम्नलिखित विशेषता में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी लचीलापन 47 हो जाएगा आपका। 47 है आपका समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, और डी में इसका है योजना बनाने के लिए गांव को सहायता करना। इसके बाद है आपका 48, आम आदमी पार्टी है एक क्षेत्रीय पार्टी है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 जो आपका है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो अधिकार परीक्षा, ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है आपका भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका M3 यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है आपका 51 है आपका वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 32,55,882 करोड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 34,55,882, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है 52 का है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, तो नाबार्ड नहीं है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 53 का आपका है EPCG का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 54 में है आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन डैश प्रतिमा प्राप्त होगी, तो ये 3,000 रुपए प्राप्त होगी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद 55 देख लीजिए, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है आपका 56 का है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो GDP से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 56 के बाद 57 देख लीजिए, 57 में है बिहार में कृषि मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये मोतिहारी में हुआ था, और 58 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 57 का हो जाएगा बी। 58 नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है, तो 30.12 है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन 59 है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, तो 935 है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर में वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर थी, तो 14.6 यानी इसका राइट आंसर बी। 61 का है आपका, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP था, तो GSDP कितना था, तो 487,628 करोड़, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। इसके बाद है 62 में देख लीजिए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो एकीकृत ग्रामीण विकास ये योजना शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद है 63 का हो जाएगा अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये राजस्थान में शुरू किया गया, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2017 में
मांस में और मांस से निर्मित वस्तु के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी परसेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 6% और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद 65 नंबर का हुआ प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयत वाली प्रथा जिसके थ्रू किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और उसके लिए और सरकार को राजस्व का भुगतान के जिम्मेवार माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, तो इसमें रामप्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाकुल्ला को दिया गया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 67 नंबर क्वेश्चन है आपका इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका 67 का राइट आंसर हो जाएगा सी आर दास, 67 का राइट आंसर है ए। इसके बाद है 68 नंबर है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने किया था, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे, इसका राइट आंसर है आपका विनोबा भावे, इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ऑप्शन नंबर सी। 71 का, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद 72 नंबर में देख लीजिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। इसके बाद है आपका 73 नंबर, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई। 73 का राइट आंसर ई हो जाएगा। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है, देशद कथा पुस्तक किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो उक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा आपका ई। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो फुलन प्रसाद वर्मा के द्वारा हुआ था, 76 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं उसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी, तो जलियांवाला हत्याकांड बाघ हत्याकांड जो हुआ था इसके कारण वो अपनी उपाधि रिटायर कर दी थी, तो और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुआ था, तो इसका 80 का हो जाएगा आपका सी। 81 नंबर क्वेश्चन है आपका, 81 है आपका मैथ का क्वेश्चन है, वो आप हम आंसर बता रहे हैं और आप सिर्फ देख लीजिएगा, तो जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 63, इसका 63 है, देख लीजिए एक बार 63। इसके बाद है आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, और 24 हो जाएगा इसका 24, कितने शतरंज खेल रहे हैं, तो 24 खेल रहे थे। इसके बाद है आपका 84 नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड वाले जो है वो देख लीजिएगा आप, 84 का है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन नंबर सी 39/4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 85 नंबर का आंसर होगा, 85 का डी होगा, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, यहां एक्स इक्वल टू 2 आप वैसे भी रख के आप फाइंड कर सकते हैं इसको, तो इसका राइट आंसर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 85 का 85 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसका 2 आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद है आपका 85 के बाद 86 है, एस का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था, 86 का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 125।
125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन का कितना सेकंड होगा, दो रेलगाड़ी के बारे में कहा गया था, रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का सी। 87 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा ऑप्शन, और इसका 6 सेकंड हो जाएगा। ओके, इसके बाद है आपका 87 के बाद 88 है। दो विद्यार्थी ने मतलब कलम को बांटना था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 88 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 9 तरीकों से बांटा जाएगा। इसके बाद है आपका 89 नंबर क्वेश्चन। त्रिज्या दिया हुआ है दोनों वृत्त का, उसको आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.25 अनुपात 1। इसके बाद है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, ये है एक नल पानी की किसी टंकी को इतने घंटे भर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का ए हो जाएगा, और इसका राइट आंसर है आपका 8 घंटे। ओके, इसके बाद 90 के बाद कुछ जैसे स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप देखते हैं साइंस का क्वेश्चन है, तो अंग है, तो साइंस में है आपका फर्स्ट क्वेश्चन 91। 91 हो जाएगा आपका। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर को कहा जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है 92। 92 में एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताना है, तो दोनों को ऐड करके आप द्रव्यमान संख्या फाइंड कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 38। इसके बाद है 93 जो है आपका, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है 94 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो इसका नलदीज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद है 95 नंबर क्वेश्चन है पानी का पीएच मान बताना है, तो पानी का पीएच मान 7 होता है, 7, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 95 का बी। 96 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों की, गैसों में मुख्य घटक होता है, तो मुख्य घटक होता है ये सभी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, 96 का ई। 97 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो किसमें अनुपस्थित होगी, तो इसका राइट आंसर ई होगा, 97 का ई। इसका 98 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का है, 98 ए हो जाएगा, 98। नंबर क्वेश्चन है इसका ए, 98 ए। 99 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र, तो C6H2O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 99 का 900 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन है, CO समूह का आवर्त क्रम क्या है, तो इसका 2.5 होगा, और राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद है 101, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी, तो डार्विन ने लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है 102 का, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकर बनता है जिसे कहते हैं क्या कहा जाता है, तो क्योंकि वैसे कोई नहीं, ई राइट इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 103, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो सटीक जगह को परितंत्र कहा जाता है, तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद है 104 का राइट आंसर है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बदलती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 104 का। 105 है आपका, प्रकाश संश्लेषण को उपोत्पाद है, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है आपका 106 है आपका, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद है आपका 107, निम्नलिखित में से किस
इसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, वायरस इंसानों के कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। 107 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका 108 है, 108 जो है मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो इसका तिल्ली में होगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। उसका 109 है, 109 है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है, तो थायरोक्सिन हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है 110 जो आपका क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है 111 जो है दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक 11 प्रति वर्ग सेमी स्क्वायर, तो सेमी होगा, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद 112 है, 112 है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8.20 सेकंड में पहुंचता है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। इसके बाद 113 का निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो दाब अदिश राशि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 114 जो है आपका, 114 है निम्नलिखित में से किस राशि का निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति कोई राशि की मात्रक नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है आपका 115 नंबर क्वेश्चन आपका है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु में ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग होती है, तो इसका राइट आंसर 115 का हो जाएगा आपका बी। इसका 116 है आपका, 116 जो आपका है 50 डिग्री सेल्सियस पर फॉरेनहाइट स्केल को चेंज जब करेंगे तो कितना डिग्री फॉरेनहाइट में होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और इसका 122 फॉरेनहाइट हो जाएगा, डिग्री फॉरेनहाइट। इसके बाद है आपका 117 जो है आपका हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है, तो ये देख लीजिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 118 जो है आपका शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 119 में विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो एमीटर के द्वारा मापी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद 120 जो है, 120 है आपका विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद 121 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ से करंट स्टार्ट है, करंट में देखना है यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन थे, तो इसका कैंटो मोमेटा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 122 में है पांच राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और पांचवा देश पूछ रहा है, तो पांचवा देश कौन सा है, तो ऐसा पांचवा देश भूटान है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। उसके बाद 123 में सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट पार्क में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है, तो विराट कोहली है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद 124 का जो क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश से किया गया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद है 124 के बाद 125 नंबर क्वेश्चन आपका है, थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के दौर में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं थे, तो इसे ये देखना है कि इसमें कौन शामिल नहीं थे, इसका राइट आंसर ये होगा, ये सभी शामिल थे, और 125 का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद 126 इसका 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन में समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी, तो ये वेनेजुएला में आयोजित किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन थे, तो अशोक कुमार मुखर्जी थे, और इसका राइट आंसर होगा आपका सी। इसके बाद 128 क्वेश्चन जो है आपका डेमोक्रेटिक
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन है जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया। तो ये तुलसी गवार है, ठीक है। तो 128 का जो राइट आंसर है डी, इसके बाद 129 गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्कल बॉन्ड है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। इसके बाद है 130 क्वेश्चन है, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आईकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया, तो यह हैदराबाद में खोला गया और राइट आंसर है बी 131 का क्वेश्चन है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो ये जापान टोक्यो में किया जाएगा और इसका राइट आंसर है आपका सी 132। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्व के आवर्त सारणी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया, तो इसका राइट आंसर 150 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 1877 में इसका स्थापना हुआ, वैसे भी आप जोड़ेंगे तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं इसका, तो इसका राइट आंसर है बी। इसके बाद है आपका 133, हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन किया जिसने 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में इसे असंवैधानिक बना दिया गया था और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 134 नंबर क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया, तो 2019 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ब्राजील में हुआ था। 134 इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, ब्राजील में। 135 है आपका, 135 आपका मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने, तो सुरेश नामवत ये बने थे मुकुंद पद्मनाभन के बाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद है 136 का, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा माननीय ए पी शाही, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद 138 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, और बिहार को कभी भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है और इसका राइट आंसर है आपका ए 139 क्वेश्चन नंबर है, कश्मीर घाटी की अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था या दफन किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था, तो नालंदा में किया गया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद 140 क्वेश्चन है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो इसका है टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद 141 क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसके सॉरी डी। इसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2019 में बिहार के महावासनिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया, तो कैमूर जिला का दौरा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 143 जो आपका क्वेश्चन है, यह है आपका हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश के मेजबान यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और राइट आंसर है आपका सी।
144 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ISRO और सीवेज ने एक समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, सीवेज किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन, प्राग की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंशियन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 146 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहां आयोजित किया गया? तो चौथा सत्र केन्या के नैरोबी में किया गया था, और इसका राइट आंसर है आपका डी। 147 नंबर क्वेश्चन है आपका, मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश में किस संस्करण का विमोचन किया गया? तो ये दूसरा इसका संस्करण था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद 148 नंबर क्वेश्चन है आपका, मनोहर पारिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो प्रमोद सावंत ने शपथ ली, तो इसका राइट आंसर है आपका सी। इसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन है आपका, 149 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 2018 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? योगी सस्कावा, ये 2018 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की विजेता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद 150 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला मुक्त अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो विश्व का पहला मुक्त अस्पताल ये दुबई में है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, ये आपका 150 क्वेश्चन जो था वो सारा का डिस्कशन जो मतलब वन बाय वन जो इसका राइट आंसर है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये तो सारा डिस्कशन मैंने बता दिया, और लास्ट में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और इसमें तो मैक्सिमम मेरा कोशिश रहा है जो मैक्सिमम राइट आंसर आपको दे, और जो भी क्वेश्चन का आंसर में आपको डाउट लगे वो कमेंट के माध्यम से हमें बताने का कोशिश कीजिएगा, जो राइट आंसर इसका क्या होगा, मैंने कोशिश 100% किया, जो इसका राइट आंसर है वो आपको बताया, ठीक है। आप लास्ट में मैं एक चीज और करना चाहूंगा, मैक्सिमम वीडियो को आप शेयर करेंगे और हमारे चैनल पर आप बने रहेंगे, इस तरह का वीडियो आपको बराबर मिलते रहेगा, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा नए नए वीडियो हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।